हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्वीट कॉर्न से बहुत ही हेल्दी और कम तेल में ये रेसिपी बनाएंगे। इसे आप ब्रेकफास्ट या लंच कभी भी बना सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो मीडियम साइज के स्वीट कॉर्न लेंगे। अब हम इसके दाने को अलग निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की सहायता से भी ग्रेट कर सकते हैं, पर हमें इसका दरदरा पेस्ट तैयार करना है। दानों को हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 स्मॉल साइज की हरी मिर्च और 6 लहसुन की कली। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। हमें इसे बारीक नहीं पीसना है। दानों को हमने हल्का दरदरा रखते हुए पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मेथी बारीक कटी हुई, 1/2 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून अजवाइन, तो अजवाइन को हम हाथों से क्रश कर डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून जीरा, 4 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, 1 टेबल स्पून तिल, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 पिंच मीठा सोडा। अब हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 1/4 कप मक्के का आटा। तो पहले हम 1 कप मक्के का आटा डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लगेगा तो हम 1/4 कप आटा और इसमें ऐड करेंगे। हमें इतना ही आटा डालना है कि ये सभी चीज़ें मिक्स होकर एक सॉफ्ट आटा तैयार हो जाए। आटा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है तो हम इसमें 1/4 कप मक्के का आटा और डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें 1/4 कप बेसन भी डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमने इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम मुठ्ठी बनाएंगे तो हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसे मुट्ठी का शेप देंगे। इसी प्रकार से हम सारे मुट्ठी बनाकर तैयार करेंगे। सारी मुट्ठी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे पकाएंगे। गैस ऑन करके स्टीमर में 2 कप पानी को अच्छे से उबाल आने तक गर्म कर लिया है। अब हम इसमें स्टीमर की जाली को रखेंगे। तो जाली को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके मुट्ठी को जमाया है। अब हम इसे ढक देंगे और 25 से 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 25 मिनट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और मुट्ठी को ठंडा होने के बाद बाहर निकालेंगे। मुट्ठी को ठंडा होने के बाद हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो मुट्ठी को आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। तो सभी मुट्ठी को हमने कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके पैन में डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई। राई को हल्का सा तड़कने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। अब हम इसमें मुट्ठी को डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और मुट्ठी को थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है। दस मिनट मुट्ठी को हमने लो फ्लेम पर पलटते हुए फ्राई कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। लीजिए तैयार है हेल्दी स्वीट कॉर्न मुठिया। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।